तो राजस्थान में अनगिनत हैरत भरी कहानियां हैं, लेकिन राजस्थान की कहानी क्या है, ये सवाल जितना दिलचस्प है जवाब भी उतना रोचक है। राजस्थान बनने की कहानी आजादी के पन्नों में छिपी है और राजस्थान के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के, आइए आपको ये रोचक कहानी सुनाते हैं। नमस्कार, राजस्थान दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। दरअसल देश भर में ही रियासतों का एकीकरण आसान नहीं था, राजपुताना में तो ये बेहद मुश्किल हो चला था और कठोरता की नीति काम आई। दरअसल राजस्थान के निर्माण की कहानी भी अजब है, कई ऐसे वाक्य हुए जो वाकई चौंकाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक महाराजा ने तत्कालीन रियासत के सचिव वीपी मेनन पर ही बंदूक थाम ली और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या मैसेज गोकुल भाई भट्ट को दिया था, सुनवाऊंगा गोकुल भाई भट्ट की आवाज में। तो शुरू करते हैं ये सफर और बताते हैं आपको राजपुताना से राजस्थान के निर्माण की कहानी। राजस्थान के अस्तित्व में आने की कहानी रोचक है। भारत के उप प्रधानमंत्री तथा रियासती मंत्रालय के प्रभारी वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को जयपुर के सिटी पैलेस के दरबार हॉल में राजस्थान राज्य की आधारशिला रखी। सवाई मानसिंह राज प्रमुख बने तो हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। कुल 22 राज्यों को मिलाकर एक राज्य राजस्थान बनाया गया था। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दरअसल आज का राजस्थान तब का राजपुताना था और ये बात कही जाती थी कि यहाँ तेहरी दास्ता थी, पहली अंग्रेजों की, फिर राजाओं की और तीसरी स्थानीय जागीरदारों की। देश की आजादी की लड़ाई में राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष बलिदान का भी अहम योगदान रहा। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के बाद भी कुछ चुनौतियां बाकी थी। राजे रजवाड़ों के सामंत अपनी हुकूमत को छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं थे, तो वहीं राजस्थान की पाकिस्तान से सटी भौगोलिक स्थिति भी एक बड़ा कारक बनी हुई थी। रियासतों के एकीकरण को लेकर तो कांग्रेस के नेताओं की सहमति थी, लेकिन राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन हो और नवीन प्रांत की राजधानी कहाँ हो, ये ऐसे यक्ष प्रश्न बन गए थे जिन पर तत्कालीन रियासतों के प्रजामंडलों के नेताओं में भी आपसी मतभेद था। हालांकि सरदार पटेल हीरालाल शास्त्री को लेकर सॉफ्ट थे, जिसका लाभ उन्हें मिला। प्रदेश में लोकनायक माणिकलाल वर्मा जैसे नेता भी हुए जिन्होंने बृहद राजस्थान में कोई भी पद नहीं स्वीकारा और जीवन पर्यंत इस पर कायम रहे। राजस्थान राज्य बनने की इस कहानी में कुछ रोचक वाकये भी हुए जिनको सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से हल किया। कुछ अनमने समझौते भी भारत सरकार को तत्कालीन राजाओं से करने पड़े। ऐसा ही एक किस्सा है जोधपुर का। जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में विलय करने के लिए जिन्ना लगातार प्रलोभन दे रहे थे। कहते हैं कि कुछ एक्ट्रेस भी वहां दरबार में भेजी गई थी। पटेल को इसकी भनक लग गई थी, जिस पर पटेल ने जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह को गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए कहा था कि आपको जाना है तो पाकिस्तान जाइए, रियासत नहीं जाएंगे। बाद में महारानी ने गोकुल भाई भट्ट को कहलवाया था कि उन्हें तो देश के साथ ही रहना है, पुत्र से जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। देशी राज्यों का एकीकरण पुस्तक में वीपी मेनन लिखते हैं कि विलय वार्ता के दौरान वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बाहर चले गए तो महाराजा ने अपनी पिस्तौल निकाली और मेनन पर तान कर कहा था कि मैं दबाव में झुकने वाला नहीं हूँ। मेनन ने तुरंत प्रतिउत्तर देते हुए कहा था कि मेरे मरने से रियासतों का विलय टल नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही माउंटबेटन कमरे में वापस आए तो घटना को हंसी में टाल दिया गया। बीकानेर अभिलेखागार के निदेशक डॉक्टर महेंद्र खड़गावत कहते हैं कि ये सच है कि कई विवाद हुए, लेकिन राष्ट्रीय नेताओं ने कुशलता के साथ इन विवादों के बावजूद विलय की प्रक्रिया को कुशलता से पूरा किया है। कुछ चीजें ऐसी हैं बीकानेर के एकीकरण के ऊपर भी कुछ विवाद था जो बाद में राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। मत्स्य संघ का जब विलय हुआ उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको भी सॉर्ट आउट किया गया। राजधानी जयपुर में बने या उदयपुर में बने उस पर भी एक विवाद था, लेकिन उन सबको सॉर्ट आउट किया गया। और किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया गया, दस्तावेज स्वयं अपनी कहानी कहते हैं और निश्चित रूप से ये राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को, बल्कि हिंदुस्तान के नागरिकों को, विदेशी शोधार्थी जो इस पर शोध कर रहे हैं वो शोध के माध्यम से आम जनता तक भी पहुँचे। हमने ऑनलाइन किया है ताकि कोई भी इसको देख सके। यूं तो आज के राजस्थान का निर्माण 7 चरणों में पूरा हुआ, लेकिन 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर 73 राजस्थान संघ बना।
इसी दिन को राजस्थान दिवस कहा जाता है। बाद में 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा तहसील का भी राजस्थान में विलय हुआ और मध्य प्रदेश के सुनेल का भी। इस तरह से आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आया। प्रजामंडल आंदोलन के गांधीवादी नेता गोकुल भाई भट्ट कहते हैं कि सरदार पटेल ने एक संदेश दिया था कि आपसी मतभेदों को भुलाकर एक भारत की सोच रखनी है। भट्ट की आवाज का एक टेप आज भी बीकानेर अभिलेखागार में उपलब्ध है, जिसमें वो वाकया बता रहे हैं। जरा सुनिए। 48 में उसके पहले सरदार साहब 1948 के पे 8 में और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हम लोगों को खास तौर से कहा था कि अब राजस्थान बनने जा रहा है, आप लोग एकजुट से काम कीजिए और राजस्थान को सफल बनाइए। और इस कि देखिए, मैं आप लोगों की बराबर एकता में विश्वास रखता हूँ और आप एक होके काम करते रहिए तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ेगा और उसका भविष्य उज्जवल होगा। इस तरह की ये घटनाएं हुई है। अभिलेखागार के निदेशक कहते हैं कि रियासतों का विलय तो कठिन था, इससे पहले जो यातनाएं भोगनी पड़ी वो भी कम नहीं थी। सूखी रोटियों पर शहद लगाकर उसमें मरी हुई मक्खियां लगाकर दी जाती थी। अभिलेखागार में कुछ ऐसे पत्र भी हैं जो इन यातनाओं के बारे में बताते हैं। 246 फ्रीडम फाइटरों की राजस्थान के जो जीवित स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आवाज को ध्वनिबद्ध किया गया। अगर उनकी आवाज उनकी इंटरव्यू को आप सुनेंगे, लाइव सुनेंगे, तो आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इन लोगों को 10-10 दिन तक बर्फ की शिलाओं पर लिटाया जाता था, भूखे रखे जाता था और जब रोटी के नाम पर, सूखी रोटी के ऊपर शहद लगा के, मरी हुई मक्खियाँ लगा के इनको खिलाया जाता था। तो आज हम आज़ाद हुए, हमें 70 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। आने वाले 20-30 साल में हमारे आने वाली पीढ़ी को ये मालूम ही नहीं चलेगा कि आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली थी। इसको आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए, देश के प्रति जोड़ने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने के लिए हमने आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स की एक गैलरी बनाई है और नई गैलरी जो इस अभिलेख म्यूजियम बन रहा है उसका हिस्सा बनेगी। वाकई स्वतंत्रता के संघर्ष से लेकर आज के राजस्थान को बनाने में हमारे नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून पसीना लगा दिया था। आज की पीढ़ी के लिए यह संघर्ष की गाथा उनके आने वाले कल के लिए याद रखना बेहद जरूरी है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान बृहत्तर संघ का निर्माण हुआ। इसी दिन को राजस्थान का स्थापना दिवस माना जाता है। हालांकि इसके बाद सिरोही के अलावा कुछ और हिस्से भी राजस्थान में मिले और राजपूताना से वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। तो ये थी राजस्थान के निर्माण की कहानी। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। सतरंगी